इस वक्त की बड़ी खबर पवई से पुष्पराज सिंह की इस वक्त की खास रिपोर्ट। गंदे पानी की निकासी न होने से पनप रहे हैं मच्छर, गंभीर बीमारियों की जारी है आशंका। जून की गर्मी का मौसम व उमस से भरी गर्मी शुरू होते ही भगवान सूर्य जी भास्कर ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान बढ़ने के साथ ही बेकाबू हो चुके मच्छरों की फौज ने नगर में सुख चैन चीनना शुरू कर दिया। लोगों ने मच्छरों पर शिकंजा कसने के लिए शासन प्रशासन से नगर के वार्डों में फॉगिंग मशीन के साथ ही नगर में जहां तहां लगे कूड़े कचरे के ढेर के साथ ही गंदे पानी की निकासी निकाले जाने को लेकर अभियान चलाए जाने की मांग की है। बताया गया है कि नगर के वार्डों में करीब एक दशक से मच्छर नाशक दवा का छिड़काव न कराए जाने से गली मोहल्ले में मच्छरों की फौज लोगों पर हमला कर रही है। साथ ही मलेरिया जैसी बीमारियों की आशंका बनी हुई है। मच्छरों के कारण नगर में लगे कूड़े कचरे के ढेर, पानी की ना निकासी होने से लोगों को परेशानियों के साथ दिन और रात की नींद छीनी हुई है। इस भीषण गर्मी से एक बड़ी बीमारी की आशंका बन रही है। जून माह का दूसरा सप्ताह समाप्त होने को है, लेकिन हालत जस की तस बने हुए हैं। आसमान में छाए घने बादल बारिश की संभावना जरूर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत गर्मी की आहट लोगों को परेशान कर रही है। सायंकाल से दस्तक देने के साथ ही मच्छरों का तांडव शुरू हो जाता है। इनसे बचाव के लिए नागरिकों को मच्छरोधी दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है, परंतु मच्छरों ने इन संहारक कीटनाशकों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है और अब इन दवाओं का असर भी मच्छरों पर निष्प्रभाव हो गया है। मच्छर के कहर के कारण मलेरिया से ग्रस्त मरीजों की आशंका बनी है। नगरवासियों ने शासन प्रशासन का ध्यान अपेक्षित करने के नगर में मच्छरों का नाश करने के लिए फॉगिंग अभियान चलाए जाने के साथ ही नगर में फैली गंदगी, नालियों गंदगी से बच रहे नगर में लगे कूड़े कचरे के ढेर, विभिन्न वार्डों में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके चलते यहां पानी जमा होता है और साफ सफाई की मांग उठ रही है। इस समय वार्ड नंबर 11 की सबसे अधिक दर्दनीय स्थिति है। यहाँ पर कूड़े कचरों का ढेर लगा हुआ है और लोगों के घरों का गंदा पानी जमा हुआ है, जो किसी बड़ी गंभीर बीमारी को न्योता दे रहा है। गंदे पानी से निकलने वाली बदबू से भी वार्डवासी परेशान हैं। लगातार पानी एकत्र होने से मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों की संभावना बढ़ रही है। वार्ड के लोगों ने बताया कि पानी की निकासी का स्थायी समाधान नगर पालिका को खोजना चाहिए और साथ ही भरी हुई नालियां गंदगी से जाम हो रही है, जिसके लिए नगर पालिका सफाई के नाम से हर वर्ष और हर महीने लाखों रुपए खर्च करती है। नगर पालिका के पास लाखों रुपए की मच्छर मारने की दवा का छिड़काव करने वाली फॉगिंग मशीन भी है, लेकिन वो शोपीस बनी हुई है। अभी तक मशीन का यदाकदा एक साल में एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है।